हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है जिसमें हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको बना कर दिखाने वाले हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता क्या है, लोकल एसईओ क्या है, इस पर मैं पहले ही दो वीडियोस बना चुका हूं और वो वीडियो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लें और यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल टाइप कर लें। पहला जो लिंक है ये हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ही है, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करें या मैनेज नाउ पर क्लिक करें, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जिस जीमेल आईडी पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सेटअप करना है वो जीमेल आईडी आपकी लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर साइन इन करने को पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर जीमेल आईडी को लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने कोई भी जीमेल लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको अपना जीमेल आईडी का जो है आईडी और पासवर्ड जो है एंटर करना पड़ेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए आप उनसे जीमेल का जो है आईडी और पासवर्ड ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं साइन इन या मैनेज नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर एक जीमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसी से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बिजनेस का नेम एंटर करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर ABC डेमो बिजनेस करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। अगर ये बिज़नेस पहले से लिस्टेड होगा तो आपको यहाँ नीचे लिस्ट में दिख जाएगा, अगर ये लिस्टेड नहीं होगा तो ये आपको बोलेगा कि क्रिएट अ बिज़नेस विद दिस नेम। तो हमें क्रिएट करना है क्योंकि ये बिज़नेस ऑलरेडी नहीं है, ये डेमो नेम है वैसे भी। तो आप उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन रिटेल, लोकल स्टोर, सर्विस बिजनेस। तीनों को एक बार समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ऑनलाइन रिटेल। अगर आप अपनी वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं, कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट थ्रू योर वेबसाइट, अगर बंदा आपकी वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन बाय करता है, वो आपके स्टोर पे फिजिकली नहीं आता है, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड है आपके पास लोकल स्टोर। अगर कोई पर्सन आपके जो लोकेशन है, कस्टमर कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन, लोकेशन पे इन पर्सन वो विजिट कर सकता है, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है लोकल स्टोर का। और थर्ड है सर्विस बिजनेस। अगर आपका बिजनेस कस्टमर को उसकी लोकेशन पे जाके सर्विस देता है तो आपको ये थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है। अब ये वाला जो बिज़नेस किस तरह का हो सकता है, जैसे कि कोई प्लम्बर है वो आपकी लोकेशन पे आके ही वो काम करेगा, या AC रिपेयर वाला हो गया, ठीक है। लोकल स्टोर तो जैसे कोई बारबर हो गया या फिर कोई ब्यूटी पार्लर, इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, तो वो अपनी स्टोर या अपनी लोकेशन पे ही सर्विस देते हैं। ऑनलाइन रिटेल, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स आप मान लीजिए, मैं बड़ी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई आपने छोटा ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप किया है और आप नहीं चाहते कि लोग आपके पास आएँ बल्कि आप ऑनलाइन ही उनको भेजना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोकल स्टोर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वेरिफिकेशन के, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर लोकल स्टोर को चूज़ करता हूँ और लोकल स्टोर चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी डिफाइन करनी है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लोथिंग शॉप का लिए मान लीजिए इसको सेटअप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लोथिंग शॉप सेलेक्ट कर लिया और फिर हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आपको अपने बिजनेस का एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है। एग्जैक्ट एड्रेस का मतलब है जहाँ पे अगर कोई बंदा आए तो वो उसको वहाँ पे स्टोर मिले, या फिर अगर आप वेरिफिकेशन भी करेंगे तो उस टाइम पे भी गूगल आपको एक जो है लेटर भेज सकता है, तो वो आपके उस एड्रेस पे आना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस एंटर कर देता हूँ। आई डोंट नो इसका पिन क्या है, लेट्स एंटर इट, इफ़ यू नो द पिन देन यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए पंजाब एंटर कर दे। तो ये देखिए ये आपको उसके बाद बोलेगा कि क्या इनमें से कोई आपका बिजनेस है, मतलब ABC कंपनी, ABC लिमिटेड, अगर क्योंकि ये नियरेस्ट उसके लोकेशन के आसपास होंगे। अगर इनमें से कोई आपका बिजनेस नहीं है तो आपको नन ऑफ दीज करना है, वैसे नन ऑफ दीज ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको बोलेगा कि आपका बिजनेस एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो अभी मैं इसको, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपका बिजनेस है। उसके बाद ये आपको अच्छा सा
एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि आपको किस स्ट्रीट में और किस जगह पे किस बिल्डिंग में आपका है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये अब मैप इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो ये करने के बाद आप इसको डन कर दें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट एंटर कर दीजिए, वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोनों को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने एंटर करने हैं अगर आपके पास हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अगर आप जो है न्यूज़ और टिप्स अपनी प्रोफाइल के बारे में अपनी ईमेल आईडी पे रिसीव करना चाहते हैं, या फिर इस तरह से कुछ कुछ भी आपके पास ईमेल पे आए, तो इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी को ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये बोल रहा है यू आर नाउ वेरीफाइड, यू कैन अप्लाई टू रिव्यू, तो ठीक है हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के आवर्स जो है एंटर करने हैं, जैसे अगर आप संडे क्लोज करते हैं तो क्लोज रखिएगा, मंडे को आप यहाँ पर टाइमिंग एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर एक आपको एंटर करके दिखाता हूँ, 9 AM to 6 PM मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो ये मैंने 6 PM एंटर कर दिया। इसी तरह से आप ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फिल कर सकते हैं, बाद में करना चाहे बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी हम एक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आपकी होती है, तो यहाँ पर आपको एक SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन जो है वो एंटर करनी है। आपको अपने बिज़नेस के बारे में पहले कीवर्ड्स निकाल लीजिए कुछ, जैसे कि आपका बिज़नेस अगर क्लोथिंग के बारे में है तो आप उस क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स ले सकते हैं जो आप सेल करते हैं, या फिर आप कुछ और सर्च टर्म्स निकाल सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग स्टोर नियर मी, या इस तरह से कुछ ऐसा, मतलब जितने भी कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं वो निकालिए, और उसके बाद उसको एक डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको यहाँ पर एंटर कीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक बार डेमो लिख दे रहा हूँ। इस तरह से आप पूरा 750 वर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ एक बार, हम नेक्स्ट, बाद में भी इसको किया जा सकता है, अभी मैं आपको एक बार दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है अपने बिज़नेस की जो फ़ोटोज़ एंटर करनी है, देखिए फ़ोटोज़ इस तरह से एंटर करिए कि कोई बंदा अगर उसको देखता है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए। प्रोडक्ट के बारे में पता चलने का मतलब है अगर आपका कोई कपड़ों का स्टोर है तो आप उसमें कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं उनको कि इस तरह की जो कपड़े का जो टाइप है हम सेल करते हैं, मेंस वियर है, वुमेन वियर है, किस तरह के कपड़े आप सेल करते हैं। आपकी फिर आउटर का एक फ़ोटो ले सकते हैं, बाहर से आपके स्टोर किस तरह से लगता है, ताकि अगर वो उसके आसपास आते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये स्टोर यहाँ पे है। तो दो तीन तरह की अलग अलग फ़ोटो लेनी है, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स की। तो तीन तरह की बेसिकली कैटेगरीज हो गई। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है इस तरह से, तो ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए, ये आपको गूगल ऐड के थ्रू एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप गूगल का जो है वर्क स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम इसको भी स्किप करेंगे। ये दोनों स्टेप नहीं करने हैं आपने, गूगल ऐड वाला और गूगल वर्क स्पेस वाला, ठीक है। तो ये करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए, अब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ साइड पे आपका वो जो डिटेल थी उस जो आ रही है वो आ जाएगी, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे यहाँ पर ये आपका बिजनेस का नेम है, यहाँ पर फोटोज़ हमने ऐड नहीं की हैं, और ये आपका जो मैप पे लिस्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये एड्रेस है, आवर्स, ये हमने एक ही एंटर किया था, तो ये पूरे इसमें आप एंटर कर सकते हैं। मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें हैं ये सारी एंटर कर सकते हैं। तो अब जब आपने एक बार प्रोफाइल क्रिएट कर ली, तो फिर आप उसको एडिट कहाँ से करेंगे? तो एडिट करने के लिए आप यहाँ एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। जब आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल जो हम पहले फिल कर रहे थे वो आ जाएगी, और उससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। जैसे बिजनेस का नेम है तो अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी है, यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन है, ये दूसरी डिस्क्रिप्शन है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ओपनिंग डेट, कब आपने इसको शुरू किया था, ठीक है। कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर और वेबसाइट हमने वहाँ स्किप कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन है, तो यहाँ पर अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं जब तक आपने इसको वेरीफाई नहीं किया है। सर्विस एरिया है, ठीक है, सर्विस एरिया के अंदर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ उस एरिया के साथ साथ कहाँ कहाँ सर्व करते हैं। जैसे चंडीगढ़ की अगर बात करें तो मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, जीरकपुर हो गया, तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, आसपास की जो लोकेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस आवर्स हैं, तो ये यहाँ से अपडेट कर लेंगे। स्पेशल आवर्स अगर आप ऐड करना चाहें कि जैसे किसी ओकेजन के टाइम पे हम इस टाइम से इस टाइम तक ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद
अब ये डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम द बिजनेस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है। और ये इसको सेव करेंगे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप क्या क्या अपनी लोकेशन पर प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार पांच ऑप्शन हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको रिव्यूज़ को रीड करना है, जो लोग आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ आएगा नहीं क्योंकि कोई रिव्यू है नहीं। मैसेजेस हैं, तो अगर कोई बंदा आपको मतलब फ़ोन पे आपकी प्रोफाइल देख रहा है, तो अगर आप इसको ऑन कर लेंगे, यहाँ से टर्न ऑन कर देंगे, तो वो आपको मैसेज भी भेज सकता है। जैसे हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, सिमिलरली वैसे ही प्रोफाइल के थ्रू, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू भी चैट हो सकता है। तो यहाँ से ऑन करना चाहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, कवर फ़ोटो है, लोगो है, ये तो बेसिक फ़ोटोज़ हो गए, उसके अलावा आप दूसरी फ़ोटोज़ भी आपको ऐड करनी है। देन परफॉर्मेंस है, अब आपकी पूरी जो परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कितने आपको कॉल्स आए, कितने मैसेजेस, बुकिंग, डायरेक्शन, और कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर 6 मंथ की ये दिखाएगा लास्ट में। तो ये पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मंथ बाय मंथ कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं गूगल ऐड के थ्रू, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहें, और QA का आंसर देना चाहें, पिकअप एंड डिलीवरी करना चाहें, आस्क फॉर रिव्यू करना चाहें, तो ये डिटेल है यहाँ पे। और ये सारी डिटेल भी आपको फुलफ़िल करनी है। ये देखिए, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये खुद से सजेस्ट करता है कि ये चीज़ें आप कंप्लीट करिए। तो ये सब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपका जो है ये प्रोफाइल क्रिएट होगा। अब इसके अंदर ये तो अभी हमने क्रिएट किया है, अभी हमने इसको वेरीफाई नहीं किया है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से आप अपने बिजनेस को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तो ना तो ये मैप पे आएगा, ना ही ये आपको बिजनेस प्रोफाइल आपकी दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वेरीफिकेशन का। देखिए, वेरीफिकेशन आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आप अपनी ये बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट ना कर लें। जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। आपको ये जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। एड्रेस सही तरह से वेरीफाई जो है एंटर करना है, फ़ोन नंबर एंटर करना है, और बाकी जो डिटेल है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जो जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करने के बाद आप ये वाले जो मेथड हैं इन सब से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे फ़ोन या टेक्स्ट के थ्रू। तो ये तो सिंपल है, आपके पास फ़ोन आएगा या आप SMS आएगा तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, आप अपने बिजनेस का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। उसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर से आप वीडियो बना लिया, किसी भी बिजनेस का हो सकता है वो, तो आपको करना क्या है, आपको बिजनेस अगर आपका है तो आप अंदर जाएंगे, जो मेन एरियाज़ हैं उनका आपको वीडियो बनाना है और उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लाइव वीडियो कॉल तो ये भी आप कर सकते हैं, जब आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लाइव कॉल के अंदर, वीडियो कॉल के अंदर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि करंट लोकेशन आप आउटसाइड दिखाएं, इंक्लूड स्ट्रीट नेम वगैरह, बिजनेस और इक्विपमेंट दिखा सकते हैं, प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट दिखा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे एरिया जहां पर आप अपने बिजनेस खोने के बाद ही जाएंगे, तो वो आपको वहां पर दिखाने हैं ताकि वेरिफिकेशन आपका ईजिली हो जाए। उसके बाद मेल के थ्रू है, तो ये आपको एक कुछ कोड भेजेंगे, आपको एक लेटर भेजेंगे एक तरह से, तो वो उसके अंदर एक कोड होगा, तो वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो उससे भी आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद एक इंस्टेंट वेरिफिकेशन मेथड है, इफ़ यू वेरीफाई योर वेबसाइट विद गूगल सर्च कंसोल योर प्रोफाइल माइट गेट इंस्टेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई किया हुआ है तो भी आपका जो है इंस्टेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो इन सारे मेथड के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए।